मेरे एक महाराष्ट्र के साथी बहुत बड़े पत्रकार हैं मधुकर भावे जी, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ तकलीफ हो गई थी कमर में, तो उन्होंने यहाँ डॉक्टर गोवर्धन दास इनके पास वो आए थे और उन्होंने 2-3 दिन में इतना अच्छा रिलीफ दिया है कि वो चल रहे थे, ताकि उनकी स्थिति चलने जैसी नहीं थी जब वो आए तभी चलते थे। तो मुझे भी बड़ा अचरज लगा कि ऐसे कौन है ये डॉक्टर, हमें तो पता नहीं था पहले, लेकिन मैंने गूगल भी किया और मधुकर राव जी भावे से कांटेक्ट में रहा, उन्होंने भी मालूमात करवा दी कि श्री डॉक्टर गोवर्धन दास जी एक बहुत नामचीन डॉक्टर है, कई लोगों को उन्होंने ट्रीट किया है। तो मेरे धर्मपत्नी को भी कुछ तकलीफ थी तो मैंने उनसे बातचीत की, तो वो एक तो बम्बई आने के लिए कोरोना की वजह से नहीं आ सकते थे, तो मैं मेरे मिसेज को यहाँ लेके आया इस हॉस्पिटल में। और एस्ट्रोपैथिक हॉस्पिटल ये मैं भी पहली बार सुन रहा था, देख रहा था, और ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और इतने गए मैं 2 दिन से हूँ, 9-10 और कल एक सुबह भी यहाँ रहूँगा, तो इतने गरीब लोगों की भीड़ है, इतने लोग यहाँ आते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते जाते हैं, तो ये एक अजब जैसा एक कंसल्टिंग रूम कहिए या हॉस्पिटल कहिए। तो मेरे मिसेस को भी मैंने बताया और 2 दिन में उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। तो अभी मिसेस को बताया, मैं तो 80 हूँ तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ थी हाथ में, तो मैंने भी कंसल्ट किया तो वो भी इलाज अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ सब कि इतने पेशेंट, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आ गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ये क्या इनके हाथ में डिवाइन पावर कहूँ या मैजिक कहूँ। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि इसके पीछे काफ़ी उनका योगदान है, मेहनत है। और एस्ट्रोपैथी के दुनिया के सब नए नए मॉडर्न थिंकिंग का विचार भी उनके पास है। दिखने को बहुत सिंपल आदमी दिखते हैं लेकिन ज्ञानी हैं, तुरंत वो डायग्नोस करते हैं। और अचरज की बात यह है, मुझे भी थोड़ा डायबिटीज़ था तो बोले आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो मुझे अचरज लगा। तो ऐसे डॉक्टर्स का समाज में योगदान रहना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गरीबों की सेवा करना। और मेडिकल साइंस में इसके लिए अलग विभाग नहीं है, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने ये यज्ञ लगाया है तो उस यज्ञ से समाज का एक परिवर्तित रूप दिखेगा और इसकी एक एस्ट्रोपैथी की एक ब्रांच तैयार होगी और इस देश में बहुत सारे लोगों को उपचार प्राप्त होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और भी और उनको बड़प्पन दे दे और गरीबों की सेवा करने की ताकत उनके हाथ में दे दें।